नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं आरएसएस के जो वो अपनी पोजीशन में यहां पर खड़े हैं। क्या प्रोग्राम है और क्यों आज जो गांव समैन के अंदर ये पहुंचे हैं, वो पूरी जानकारी हम जो आरएसएस संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे हम आपको पूरी जानकारी दिलवाएंगे कि आरएसएस, आप सभी जानते हैं आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है और उसी के बारे में आज क्या प्रोग्राम है इसकी पूरी जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं। बताएंगे आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है पथ संचलन का, इसके बारे में आज क्या विशेष दिन है? आज संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि जिसको हम आरएसएस भी बोलते हैं, उसका स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज अपने समैन खंड, इसको बोलते हैं हम, इसमें टोहाना ग्रामीण है इसको हम कह सकते हैं, तो यहाँ के सब कार्यकर्ता आज समैन गाँव में पथ संचलन के नाते गाँव से संचलन निकालेंगे। तो क्या उद्देश्य रहता है पथ संचलन निकालने का? संघ का स्थापना वर्ष है, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विजय दशमी का ये त्यौहार है, तो इस विजय दशमी के ऊपर में एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन जिसको हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार का कार्यक्रम विजय दशमी के दिन रहता है। तो शस्त्र पूजन का इसमें कार्यक्रम रहता है, क्योंकि अपनी परंपरा है तो हम शस्त्रों की पूजा करते हैं, तो पहले शस्त्र पूजन और फिर नगर में, गाँव में, जिस क्षेत्र में है तो वहाँ संचलन, इस प्रकार का ये कार्यक्रम रहता है। तो पूरे समैन खंड में निकाला जाएगा? हाँ नहीं, पूरे समैन खंड में नहीं, केवल एक स्थान पर ही खंड केंद्र है, एक केंद्र पे ही ये कार्यक्रम रहता है, तो अपने इस खंड का खंड केंद्र समैन है, तो समैन में ये रहेगा। और कुछ विशेष आप बताना चाहें? बस चलन का कार्यक्रम किया जा रहा है विजयदशमी के उपलक्ष्य में। पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष की तरह आज भी संघ अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस उपलक्ष्य में जगह जगह पर जहाँ पर संघ है वहाँ पथ संचलन व विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पथ संचलन रहता ही है। आज इसी कड़ी में समैन खंड में जो केंद्र है समैन गांव, उसके अंदर आज ये पथ संचलन रखा गया है।